नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा, हम 6-7 दिनों से एक रेंज मार्केटर बनाई हुई है, इसी रेंज को प्ले कर रहे हैं। हम पिछले 6-7 दिनों से ये डिसाइड करके बैठे हैं, ये सेटअप लगा के बैठे हैं कि मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ 44,200 के लेवल को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ फास्ट मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें हमारा पहला टारगेट हो सकता है 44,000 के आसपास का और दूसरा टारगेट 43,855 के आसपास का। ये लेवल यानी कि जो ग्रीन कैंडल बनी थी हमारी 1 सितंबर की, इसके जो लो है उसके आसपास का हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। ये दो टारगेट हमने नीचे की तरफ डिसाइड किए थे और एक्सपायरी वाले दिन आज बहुत अच्छा सेटअप बना, जिसने आज हमारे दोनों ही टारगेट हमें अचीव करा दिए हैं नीचे की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, 5 मिनट के चार्ट पे आज हमने ट्रेड कहाँ लिए, क्यों लिए और क्या क्या उनके पीछे की साइकोलॉजी थी। सबसे पहला ट्रेड दोस्तों, आज मैंने एक ही ट्रेड करा है और उस ट्रेड में मुझे जो प्रॉफिट होना था वो हो गया। उससे पहले मैंने एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने कल एक ये एनालाइज़ करा था कि मार्केट एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है और जैसे ही इसके नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो नीचे अच्छी मोमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है। ये देखिए, ये फ्लैग पैटर्न था और इसी फ्लैग पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने अपने लेवल सेट किए हुए थे और जो हमारा मेन लेवल था 44,200 का वो लेवल था। मैंने ये भी बताया था, इसे पहले बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसे इधर लेकर आता हूँ। मैंने ये भी बताया था कि मार्केट अगर इस लेवल के आसपास ओपन होगा और इससे नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड देख लूँगा, और अगर इस लेवल के आसपास ओपन होता है तो छोटी क्वांटिटी से ऊपर की तरफ ट्रेड देखूँगा। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी। और जो मेरा मेन लेवल था वो 44,200 के आसपास का था। अब दोस्तों, यहाँ इस लेवल पर मैं कल एक पुट भी लेकर गया था, 44,400 की पुट ली थी, अभी दिखा दूँगा आपको मैं, जिसमें कि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अगर मैं कैलकुलेशन लगाऊं तो जितना प्रॉफिट मुझे पिछले महीने हुआ था उसका 90% प्रॉफिट मुझे आज पहली एक्सपायरी पे भी हो चुका है। लगभग लगभग देखे तो मुझे 150 से 160% का रिटर्न मुझे एक दिन में ही मिल गया। जो कल की मैंने पुट ली थी, 44,400 की पुट ली थी मैंने, 3:25 या 3:20 के जो कैंडल है, इस कैंडल में मैंने 44,400 की पुट ली थी और मार्केट 300 पॉइंट ओपन हुआ। मैं 1-2 मिनट रुक पाया था और जैसे ही मार्केट 44,000 के आसपास आया मैं वहाँ से निकल गया। मतलब 300-350 पॉइंट मुझे मिल चुके थे, जिसमें अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मेरी इच्छा थी नहीं कि मैं ट्रेड करूं, क्योंकि एक तो मार्केट भी बहुत नीचे गैप डाउन खुल चुकी थी और दूसरा मार्केट हमारे सपोर्ट पे भी आ गया था। ये जो मैं दिखा देता हूँ आपको डेली चार्ट पे, जो सपोर्ट बन रहा है, अब जो मैं सपोर्ट बनाया हुआ था 44,855 का, मार्केट इसके आसपास भी आ चुका था। तो मेरे ज़्यादा प्लान अब था नहीं कि अब मैं बड़ी क्वांटिटी से या फिर और ज़्यादा मोमेंट हो सकती है, अगर होती तो मैं छोटी मोटी क्वांटिटी से 855 के नीचे और ट्रेड देखता, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। मार्केट 800 के आसपास से बार बार घूम के ऊपर की तरफ चला गया था। और दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँ मैं आपको कि मार्केट, मैं पिछले एक महीने से एनालाइज़ कर रहा हूँ कि जो एक्सपायरी वाला दिन होता है उसमें 1-1.5 बजे के आसपास तक जो मोमेंट एक्सपायरी में आने वाली होती है वो आ जाती है, उसके बाद मार्केट कोई मोमेंट नहीं करता। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। इस आज से लेके पिछले एक महीने तक की जो भी एक्सपायरी 5-6 एक्सपायरी गई हैं उनका सबका डाटा आपको दिखाता हूँ। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो मोमेंट 1-1.5 बजे से पहले पहले एक्सपायरी में आ जाएगी वही मोमेंट रहेगी, उसके बाद कोई मोमेंट नहीं आती है। चलिए पहले आपको दिखा देता हूँ, मैं ये सब हटा देता हूँ। ये देखिए, हमारी लास्ट एक्सपायरी अगर हम देखें तो कब की थी, 27 सितंबर। देखिए यहाँ भी क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छी खासी मोमेंट दी और 12 बजे के बाद देखें एक भी नहीं बच पाया, 12 बजे के बाद मार्केट इसी रेंज में घूमता रह गया। यहीं पे एक रेंज बनाई, उसी में सारा दिन निकाल दिया। ऐसे ही पीछे देखते हैं हम, 27 सितंबर को हमारी एक्सपायरी थी, ये देखिए 27 में नीचे की तरफ एक अच्छा ट्रेड दिया, फिर ऊपर की तरफ भी रिकवरी कर दी। अब मार्केट ने फिर 1-1.5 बजे के बाद ये एक रेंज बना दी, इस रेंज में फिर सारा दिन उसने जो भी दो तीन घंटे जो भी बचे थे उसमें कंसोलिडेशन करके बंद कर दिया। उसके बाद हमारी पिछली एक्सपायरी थी 20 सितंबर की, 20 सितंबर में चलते हैं हम। दोस्तों, ऐसे भी व्यू आप बना के रखिया करिए, क्योंकि आपको समझ में आता है कि मार्केट क्या व्यू दे रही है। मार्केट अब, जब से मार्केट, जो बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी अलग अलग हुई है, तब से मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा मोमेंट रही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ डाउनफॉल देती है, और फिर उसके बाद अगर हम देखें 1-1.5 बजे के बाद कोई मूवमेंट नहीं करा, इसी रेंज में मार्केट घूमती रह गई पूरा दिन। ऐसे ही अगर और हम देखें
13 तारीख की और 6 तारीख की हमारी दो एक्सपायरी और हैं अभी लास्ट मंथ की। ये हम 13 तारीख में आते हैं, ये देखिए 13 तारीख में अच्छे खासे रैली ऊपर की तरफ मिलती है हमें देखने के लिए। फिर 1 बजे के बाद यानी कि 1-1.5 बजे के बाद मार्केट ने एक रेंज बना ली। ऐसे ही और भी जो लास्ट जो हमारी एक्सपायरी थी 6 तारीख की, 6 सितंबर की, उसको मार्केट ने ऐसे ही किया। तो मार्केट लगभग लगभग देखे तो हम 1-1.5 बजे तक जो मोमेंट मार्केट को देनी है वो दे के फिर मार्केट शांत हो जाता है। ऐसा इसी वजह से मेरे ख्याल से हुआ है क्योंकि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो अलग अलग हो गई है, जिसकी वजह से जो हमारे ट्रेडर थे वो भी अलग अलग हो चुके हैं। कुछ निफ्टी 50 में ट्रेड करना पसंद करते हैं, कुछ ट्रेडर जो सेलर या बायर होते हैं निफ्टी बैंक में करना पसंद होते हैं करते हैं, कुछ निफ्टी 50 में करते हैं। तो इस वजह से वोलेटिलिटी भी कम हो गई है और हमारा मोमेंट भी अब स्लो हो गए हैं। तो जो मोमेंट हमें एक्सपायरी वाले दिन पहले मिलते थे वो अब शायद अब इतने फास्ट मोमेंट हमें नहीं मिल रहे हैं। चलिए मैं आपको अपना ट्रेड दिखा देता हूँ, फिर हम एनालाइज़ करेंगे मार्केट को हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने दो ट्रेड आज एक ही ट्रेड लिया। पहला जो मेरी लंबा बड़ा प्रॉफिट है 44,400 की पुट आपको दिखाई दे रही है, जिसमें अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हो चुका है। दूसरा मैंने एक पुट लिया था 44,000 का, वो मैंने कहाँ पे ली थी चलिए वो दिखा देता हूँ। मैं ट्रेड खोलता हूँ अपने में ऑर्डर, ये देखिए पहला ट्रेड तो मेरा एक ही ट्रेड हुआ, 9:45 की कैंडल पर मैंने लिया और 10:20 की कैंडल पर मैं निकल गया, यानी कि देखे तो हमारा 1.25 घंटे का ट्रेड रहा था। ये देखिए 9:45 यानी कि इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया था, इसे बड़ा करता हूँ। ये जो कैंडल इंडिसिजन कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये जो कैंडल है 9:50 की, इस कैंडल पर ट्रेड लिया था और कैंडल बाय कैंडल में अपना एसएल ट्रेल करता हुआ चला गया था। कोई टारगेट मैंने फिक्स नहीं किया हुआ था कि कहाँ तक जाएगी, हाँ 855 तक मेरा टारगेट था कि वहाँ जाएगी तो मैं निकल जाऊँगा, लेकिन मार्केट कहाँ से घूम जाता है, 888 के आसपास ही मार्केट घूम, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी मैंने इसके हाई के ऊपर निकली तो मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गया। इस रैली में छोटा प्रॉफिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपना टारगेट तक मार्केट जहाँ तक दिखाई दी वहाँ तक लिया, उसके बाद फिर मैं निकल गया। चलिए अब एनालाइज़ कर लेते हैं कि मार्केट को हम कल के सेशन में कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले समझ लेते हैं डेली चार्ट पे मार्केट का क्या व्यू है। अब देखिए दोस्तों मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली ऊपर से नीचे दे दी है और अपने सपोर्ट पर भी आ गया है। अब मेरा प्लान है कि मार्केट जो कल के कैंडल बने वो इसी ग्रीन जो रेड कैंडल बनी है इसी के अंदर ही अपने आप को क्लोज कर दे, नीचे की तरफ 44,800 के लेवल को ब्रेक ना करे और ऊपर की तरफ 44,000 का सॉरी नीचे की तरफ 43,800 के लेवल को ब्रेक ना करे और ऊपर की तरफ 44,055 के लेवल को ब्रेक ना करे। इन दोनों लेवलों के बीच में मार्केट कल अपना घूम के बंद कर देता है, परसों फिर हो सकता है नीचे के लिए फिर से फास्ट मोमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है, जो कि हमें लेके आ सकती है फिर 43,666 और 555 के आसपास तक, यानी कि ये दो कैंडलों का जो लो लगा हुआ है इसके पास तक मार्केट हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है कल भी आ जाए, पर कल थोड़ा चांसेस मुझे कम लग रहा है, कल आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन परसों आएगा तो परसों एक अच्छा सेटअप बन के आएगा जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि कल बृहस्पतिवार है, आज जो इसकी एक्सपायरी ख़त्म हो गई, कल को जल्दी से इसमें ट्रेडर इतने इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, ना ही सेलर के ना ही बायर के, तो एक दो दिन मार्केट यहाँ रुक जाएगा, उसके बाद नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो फिर से हमें फास्ट मोमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है। चलिए दोस्तों देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट को कल कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। बेस्ट सेटअप होगा दोस्तों मार्केट अब कल के सेशन में 43,955 और 43,855 इस रेंज में कहीं ओपन हो, यहाँ 5-10 मिनट रुके, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की तरफ हम ट्रेड देखेंगे, जिसमें कि मेरा पहला टारगेट होगा 44,777 के आसपास का, यहाँ का मेरा पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट हमारा वही होगा 43,666 का, जो कि हमें डेली चार्ट पे हमने लेवल बनाए हुए हैं। ये दो टारगेट में नीचे की तरफ हो सकते हैं, डेली चार्ट पे जल्दी से मैं अभी मूवमेंट नहीं देख रहा हूँ। अब दोस्तों ऊपर जाने के लिए मार्केट को ये लो ब्रेक करना होगा, ये जो हाई बना हुआ ये ब्रेक करना होगा, तब मार्केट में नई बार फिर से इकट्ठे होंगे। अब मार्केट के लिए ये रेंज 44,200 से लेके 300 की ऊपर की तरफ ये रेंज और नीचे की तरफ 44,800 की ये रेंज मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। अब मार्केट जब इस रेंज से बाहर निकलेगा तो अच्छा खासा मोमेंट हमें फिर से देखने के लिए मिल सकता है, चाहे ऊपर की तरफ आए चाहे नीचे की तरफ आए, जितना ज़्यादा टाइम मार्केट इस रेंज में बिताएगा उतना ही अच्छा मोमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। नीचे का सेटअप दोस्तों समझ में आ गया, नीचे हम कहाँ ट्रेड लेंगे कि मार्केट 43,955 और 43,855 की रेंज में खुले फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, ऊपर की तरफ अब मैं
थोड़ा रुक कर ट्रेड करूँगा, कम क्वांटिटी रखूँगा, कोई सेटअप समझ में आएगा तो मैं ट्रेड करूँगा, या फिर इस लेवल के आसपास आकर, जो मार्केट की आज ओपनिंग हुई थी इस लेवल के आसपास अगर मार्केट कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाएगा या नेगेटिव कैंडल बनाएगा तो मैं छोटी क्वांटिटी से नीचे की तरफ ट्रेड के लेना पसंद करूँगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।